नमस्कार, मैं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। अभी मैं पटना कॉलेज एलुमनी सेरेमनी में यहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ हूँ और यहाँ पे काफ़ी पुराने से पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं। बहुत सारे महिलाएं स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे जेंट्स भी हैं जो काफ़ी ओल्ड एज में भी यहाँ पटना से एलुमनी में अपना अपना सहयोग दिए, अपना अपना भागीदारी दिए हैं। तो मैं अभी बात करूँगा कुछ स्टूडेंट से जो कब और किस बैच में यहाँ पढ़े हैं। प्रोफेसर महजबी खानम। आप किस बैच में थे यहाँ? हमने यहाँ से इंटर किया 75 में, ग्रेजुएशन किया 77 में, पीजी किया 79 में। कौन सा सब्जेक्ट? मैं साइकोलॉजी। यहाँ पे एक और हैं हमारे साथ, काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं। जावेद अहमद खान। हमने 88 में हिस्ट्री में पीएचडी किया पटना यूनिवर्सिटी से। रिटायर्ड प्रोफेसर बिहार यूनिवर्सिटी। अच्छा, बिहार यूनिवर्सिटी में अभी रिटायर्ड प्रोफेसर। मैं थोड़ा नया हूँ, 2000-2001 बैच का। यहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी किया था। बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी का एटमोसफेयर था। हम छपरा के। अच्छा, यहाँ पे सर आप आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि ये एलुमनी सेरेमनी हर बार होना चाहिए, हर 5 साल 10 साल या हर साल होना चाहिए? बिल्कुल ये हर साल होना चाहिए, क्योंकि एक गेट टुगेदर का माहौल बनता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भैया कौन से बैच में थे यहाँ पे? 11-13। अच्छा, क्या ऑनर्स था भैया आपका? एंशिएंट हिस्ट्री। और यहाँ पे देखिए, अभी मैं एक हमारे प्रोफेसर जान पहचान के मिले, प्रोफेसर सर हैं, प्रोफेसर धनंजय। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कब और किस बैच में यहाँ रहे, क्या किए। हम यहाँ से बीए, एमए, एलएलबी, लास्ट में पीएचडी किए हैं। वर्तमान में बिहार लोकसभा आयोग से मेरा चयन मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के चकिया स्थित SRP कॉलेज में हुआ है। 2019 से मैं वहाँ पे योगदान दिया हूँ, अभी वहीं पे मैं कार्यरत हूँ। सर, मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया। सर, आप UGC नेट और JRF का बैच भी चला रहे थे और मैं मतलब मुझे सुनने में आया कि 15-20 बच्चों के बैच में काफ़ी सारे बच्चों ने सफलता प्राप्त किए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ और कुछ दिनों तक मैंने यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी कार्य किया पटना कॉलेज और PG डिपार्टमेंट में। तो मुझे यहाँ के, चूँकि मैं इस कैंपस का स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के छात्रों से ज़्यादा लगाव था। इसलिए मैंने चयन होने के बाद ऑनलाइन के माध्यम से नेट JRF का तैयारी करवाया, जिसमें मेरे एक बैच से 10 स्टूडेंट में 4 स्टूडेंट का चयन जो है पिछले बार हुआ था। इस बार भी कुछ स्टूडेंट का अच्छा गया है। मैं निःशुल्क रूप से ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ। जो भी पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वर्तमान में हैं या पास आउट हैं, उनको मैं निःशुल्क रूप से ऑनलाइन नेट JRF के लिए गाइडलाइन उनको करता हूँ। जैसा कि आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोफेसर धनंजय जो हैं, ये निःशुल्क पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क UGC नेट और JRF के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी उनसे बनता है वो क्लास देते हैं। तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज प्रांगण में एलुमिनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के हर कोने से पूर्ववर्ती छात्र इसमें भाग लेने पहुँचे। आपको बता दें कि सन 1950 से 2022 तक के सभी पूर्ववर्ती छात्र इस सम्मेलन में भाग लिए। इस कार्यक्रम के आयोजक साइंस कॉलेज जूलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे। पूर्ववर्ती छात्रों के लिए कई तरह के खेल का आयोजन किया गया, जिसमें क्रिकेट और म्यूजिकल चेयर से शुरुआत हुई। क्रिकेट मैच पूर्ववर्ती छात्र बनाम पटना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के बीच हुआ, जिसमें पूर्ववर्ती छात्र एलुमिनी स्टूडेंट की जीत हुई, जिसके कैप्टन अभिषेक कुमार थे, जो सन 1998 में इंटर, 1998 से 2001 में स्नातक तथा 2003 से 2005 में पत्रकारिता से PG किए थे। वहीं म्यूजिकल चेयर में सभी पूर्ववर्ती छात्रा महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसकी विजेता कंचन कुमारी रही। कंचन कुमारी सन 1996 से 99 में BA, 1999 से 2001 में PG तथा सन 2003 में BED कर यहां की स्टूडेंट रही थी। टॉप लाइन, 20, 45, 68,
स्टॉप प्लानिंग को अंपायर का डिसीजन सर वो मानने मैजिक है एक पल का यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी एलुमनी ग्रुप और टीचर्स ग्रुप का जो मुकाबला हुआ है जिसमें एलुमनी ग्रुप मैच को जीत गए हैं और इनके जीत का उत्साह ये अपने यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पटना एलुमनी ग्रुप और टीचर्स ग्रुप में जो मैच हुआ था उसमें पटना एलुमनी ग्रुप मैच को जीत लिए हैं। हालांकि मैच काफ़ी रोमांचक मुकाबले में पहुँच गया था। मैं अभी बात करूंगा दोनों टीम के कैप्टन से। एक्सपर्ट कमेंट के साथ आ रहे हैं विजयी टीम में। विजय से मुस्कुराते हुए अभिषेक को धन्यवाद देते हुए हम अभिषेक से ही बात करेंगे, लेकिन पहले कर्नल कमेश जी से। देखिए अपने आप को ध्रुव के पत्ता के रूप में इस्तेमाल किया, आखिर में आपने अपने को गेंदबाजी में लगाया कीपिंग से छोड़कर। आमतौर पर धोनी ऐसा करते हैं, ये ख्याल आपके दिमाग में कब आया कि हम विकेट कीपिंग छोड़कर बॉलिंग करें? सर हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, हर जगह अपना जहां विकेट की जरूरत थी विकेट ले रही थी, बॉलिंग की जरूरत थी बॉलिंग किया, सबने ओवरऑल अच्छा किया, जिसका नतीजा है कि हमको लास्ट ओवर में 10 रन मिला। और उसके क्योंकि मैं टीम का कप्तान था तो मेरा दायित्व था कि कप्तानी के तौर पर कुछ करूँ, तो मैंने बॉलिंग करने का प्रयास किया और बॉलिंग करने में बेहतर हुआ और टीम हमारी जीत गई। आप अगले मैच में भी इसी तरह से इस प्रदर्शन को दोहराएंगे ऐसी उम्मीद है आपको, क्योंकि बहुत जल्दी मैच होगा? पूरी उम्मीद है और हमारी टीम और बेहतर तैयारी करेगी और अच्छे अच्छे प्लेयर उभर के आएंगे और सबको मौका दिया जाएगा। हमारी टीम में बहुत शानदार बॉलिंग की करने वाले बहुत लोग थे, बैटिंग में बहुत डीएसपी सामने किया, दो दो डीएसपी हमारे टीम में थे, दोनों ने बल्लेबाजी अच्छा किया, हमारे अमीर भाई ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, हमारे विनय जी ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया, सबने अच्छा किया, पुष्कर ने अच्छा फील्डिंग किया, हमारे हम चाहेंगे की बीसीसीआई से आपको कमेंटेटर के रूप में भी आपको अनुशंसा करेंगे। यहाँ पे एलुमिनी टीम और पटना यूनिवर्सिटी टीचर टीम दोनों के बीच में काफी रोमांचक मुकाबला हुआ और मैं एलुमिनी टीम के कैप्टन से जानना चाहूंगा कि सर ये जो मैच हुआ काफी रोमांचक स्थिति में था, लास्ट ओवर में आपने ओवर करने का मतलब जो निर्णय लिया इसके बारे में बताइए। अब सोचा कि अब नए बॉलर को परखने से बेहतर है कि मैं खुद अपने आप को झोंक दूं ताकि दूसरे प्लेयर पर किसी तरह की विपत्ति ना आए, हार होगी तो कप्तान पर होगी, जीत होगी तो कप्तान पर ही होगा, इसलिए मैंने सोचा कि अपने टीम को किसी तरह प्रतिष्ठा से बचाया जाए, इसीलिए हम लोगों ने अपने ऊपर लिया।